एक्स्ट्रा टाइम। चाहे आपको उफान मारते हुए नदी पार करनी हो, या फिर अगर आपको युद्ध जीतना हो, या फिर टफ कंडीशंस में आपको क्रिकेट खेलना हो, टेक्निक और टेम्परमेंट ये दो टीज है जो आपके साथ अगर होंगी तो ये सारी चीजें शायद आप पार कर सकते हैं। जिस बैट्समैन की आज बात होगी, ऑफकोर्स उनकी टेक्निक और टेम्परमेंट के, उनके कोच आज के एक्स्ट्रा टाइम लाइव में हमारे साथ है। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, मेरा नाम है अभिषेक और आज हमारा स्क्रीन जो है वो बहुत भरा पूरा लग रहा है, और वो इस कारण क्योंकि हमारे पास पैनल में लोग इतने अच्छे अच्छे तेजस्वी लोग जिसे कहते हैं। सबसे पहले देवाशीष दा, देवाशीष सेन, कोलकाता से सीनियर जर्नलिस्ट, कैसे हैं दादा आप? थैंक यू अभिषेक, बढ़िया, आप सुनाओ? ऑल वेल, थैंक यू वेरी मच। दिनेश लाड जी ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, रोहित शर्मा के कोच है और भी बड़े अच्छे प्लेयर्स के कोच रह चुके हैं। सर कैसे हैं आप? नमस्कार आपको। नमस्कार, नमस्कार, बहुत ही बढ़िया हूं, किसी घर में बैठा हूं पेंडेमिक के। ऑलमोस्ट सभी का यही हाल है। सिद्धार्थ हमारे साथ है दिल्ली से। हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू? ग्रेट अभिषेक, एंड वेलकम टू दिनेश सर एंड बाकी सब हमारे दोस्तों को, एंड एंजॉयिंग द मॉनसून, प्री मॉनसून जो भी हम बोलते हैं। बहुत बढ़िया। चंद्रेश भाई ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, आर यू एंजॉयिंग द मॉनसून एज वेल, कंसीडरिंग इज मुंबई एंड मॉनसून? या ऑलवेज, ऑलवेज, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। ग्रेट, चलिए तो शुरुआत आज सर से ही करते हैं। दिनेश सर, रोहित शर्मा ऑफकोर्स आपके स्टूडेंट है, टेक्निक की अगर बात करें, बड़े टफ कंडीशंस है इंग्लैंड में। आज वीरेंद्र सहवाग साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि मूविंग बॉल के अगेंस्ट उनको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। आप प्लीज अपने व्यूज बताइए। जैसे कि मैं पहले बहुत बार बहुत सारे लोगों को बता दिया है कि जिस तरह से रोहित अभी बल्लेबाजी कर रहे, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि खराब विकेट फेंका उसने उसके बाद, बट जब इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज हुई मुंबई यानी इंडिया में, तब उसने बहुत डिफिकल्ट विकेट के ऊपर बैठने बल्लेबाजी किया, यानी आपने देखा वो प्रॉपर टेक्निकल जिसको बोलते हैं जो ओपनिंग बैट्समैन होना चाहिए उसी हिसाब से उसने बैटिंग किया। और मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र सहवाग ने जब बात बताई कि मुंबई मूविंग बॉल होगी तो थोड़ा कॉशियस, मैं भी उसे सहमत हूँ, थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। जिस तरह से रोहित अभी बल्लेबाजी कर रहा है, जो प्रॉपर टेक्निकल जो बोलते हैं हम लोग, जो साउंड टेक्निक कॉम्पैक्ट बैटिंग जो बोलते हैं, उस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा है, तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं आएगी, पर थोड़ा कॉशियस होकर खेलना पड़ेगा, यानी आखिर तक बॉल देखना पड़ेगा उसे। राइट, चंद्रेश भाई, रोहित शर्मा का बड़ा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है हम लोगों ने, जब वो वाइड बॉल क्रिकेट खेलते हैं एकदम, एक बार सेट हो गए तो चारों तरफ स्ट्रोक्स मारते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को थोड़े रोक कर वो खेलते हैं, तो ये बहुत मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये? नहीं, बहुत बड़ा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, और आई थिंक ये इसलिए भी है क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने बड़े क्लियर कर दिया है कि आप ओपन करोगे और आप ही हमारे नंबर वन ओपनर हो, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आई थिंक टीम मैनेजमेंट ने इतने क्लियर तरीके से कह दिया है, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग 14 साल हो गया उनको इंडिया के लिए खेलते हुए ऑल फॉर्मेट्स में, अब तक उनको 100 से भी ज़्यादा टेस्ट मैच खेल लेना चाहिए था और 8000 से भी ज़्यादा टेस्ट रन बना लेना चाहिए था आई थिंक, बट सीरीज ऑफ ट्रेजेडीज, इंजुरीज, वो जब डेब्यू करने वाले थे तब इंजर्ड हो गए, और बाकी जब उन्होंने शुरुआत की तो पहले से ही भरा हुआ था मिडिल ऑर्डर, और जब वो 2010 में करने वाले थे टेस्ट डेब्यू, आखिरकार उन्होंने 2013 में जाके टेस्ट डेब्यू किया, मतलब 6 साल उनके अपने करियर का उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला हुआ, तो आई थिंक वो सब बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड आई थिंक वो जो भूख है टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को प्रूव करने का, वो आई थिंक आखिरकार फायदेमंद साबित हो रहा है मेरे हिसाब से। राइट, सिद्धार्थ भाई, उनको जो चांसेस मिले उन्होंने कैपिटलाइज किया उनको, ही वाज नॉट एन ओपनर, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से ही शुरुआत की, उसी तरह वो क्रिकेट खेलते आए थे एट लेवल भी, बट एज एन ओपनर मौका था उन्होंने ग्रैब किया एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ राइट, एंड फैन फॉलोइंग तो गजब की है उनकी। प्रूव्ड एंड इन सच अ वे, मतलब बाप रे, बिफोर 2013 जब से उन्होंने वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ओपनिंग स्टार्ट किया, बिफोर दैट एंड अभी का रोहित ने देखेंगे ना, जमीन आसमान का फर्क। एंड दिनेश सर डेफिनेटली बता देंगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रोहित का एग्रेशन एंड अ सिक्स हिटिंग कैपेबिलिटी, मतलब आप ये सोचिए दैट अमंग ऑल बिग हिटर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट रोहित अब थर्ड में है,
एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने 100 से ज्यादा सिक्सर्स मारे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो जिनका मानते हैं द बॉलिंग अटैक इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो पहले मानते थे हम. एज एन ओपनर रोहित ट्रांसफॉर्मेशन हैज हेल्प्ड इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो. जब वो खेलते हैं तो कोहली और बाकी सबको इट गिव्स देम द चांस टू स्क्वीज द बूट इन द ओपोनेंट्स नेक. लेकिन right. अगर वो भी फेल होते हैं देन भाई इट्स अ ह्यूज होल टू फिल. रोहित कोहली ये दो नाम है हम देखते थे ना हर आईसीसी इवेंट में, रोहित धवन कोहली, ये ट्रायम्बरेट होता था दैट वुड हेल्प इंडिया एस्टैब्लिश बिग टोटल्स. बट रोहित का जो ट्रांसफॉर्मेशन है एज एन ओपनर हैज हेल्प्ड इंडिया इमेंसली इन ODIs. अनफॉर्चुनेटली ओवरसीज में शायद उन्होंने अभी तक प्रूव करना बाकी है फॉर रोहित. ऑफ कोर्स इंडिया में ही इज बीन सुपर. जो टेस्ट सीरीज हुआ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो हुआ अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड दे वर सुपर. बट अभी भी इन ऑस्ट्रेलिया ही हैड सम फ्लैशेस, बट दिस विल बी द रियल टेस्ट. इंग्लैंड का जो ये 6 टेस्ट होने वाला है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड द 5 टेस्ट, यही सबसे ज्यादा टेस्ट है रोहित शर्मा के क्रिकेटिंग करियर में अभी के फिलहाल. दिनेश सर, जब रोहित शर्मा को कहा गया था कि अब आपको ओपन करने का मौका मिलेगा, तो डिड ही गेट इन टच विद यू, आपसे बात हुई थी, कुछ काम किया था आपने कुछ स्पेशल एरियाज पर? बेसिकली देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, मैं टेक्निकली उससे कोई बात ही नहीं करता हूं ज्यादा, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी करे, मैंने सिर्फ उसको मेंटली स्ट्रांग करने की कोशिश की. यानी जब आपको पता होगा कि 2009 से लेकर 2011 तक उसका जो परफॉर्मेंस इतना खराब हो रहा था, क्योंकि 7 और 9 के बीच में आता, बट वो कैपिटलाइज नहीं कर रहा था. यानी 100 उसने किए नहीं थे, ओनली 200 किए थे वनडे में अगेंस्ट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट किए थे. तो उसके बाद थोड़ा आईपीएल आ गया, थोड़ा आ गया, डाइवर्शन हो गया था थोड़ा, इन द सेंस डाइवर्शन टाइम नहीं दे रहा पता, जितना टाइम देना उतना, तो उसका उसको कामजना भुगतना पड़ा, क्योंकि वर्ल्ड कप टीम के बाहर गया था. आपको पता होगा 2011 के वर्ल्ड कप टीम में विराट कोहली उसके बाद आके वर्ल्ड कप टीम में आ गया था, तो उसके लिए शॉकिंग था. लेकिन शॉकिंग उसके वजह से हो गया था, क्योंकि उसने टाइम नहीं दिया था उसने क्रिकेट को. तो मैंने उसको आके से यही समझाया कि देख रोहित, आज जो टैलेंट है दुनिया के सभी लोग तेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा टैलेंट है, इतना टाइम है तेरे पास, नेचुरल क्रिकेटर है, दिस थिंग दैट थिंग, कि तू थोड़ा क्रिकेट को टाइम दे. अगर नहीं दिया तो रोहित शर्मा को लोग भूलते जाएंगे. तुझे पता है कि 2011 के वर्ल्ड कप के बाद आप अगर देखा होगा तो उसके जितने 100 गए, यानी 2700 वनडे में किए, 12 या 13 उसने अभी टेस्ट मैच में वनडे 100 किए, टी20 में किए, तो उसका कारण है कि उसने टाइम ज्यादा दिया. उसके बाद उसको इसमें उसको चांस मिला कप्तानी करने के, जैसे कि मुंबई इंडियंस टीम में, तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम पड़ने लगा, मैं अगर अच्छा करूंगा तो ही मेरी टीम अच्छा करेगी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलने लगा. तो उसका कारण यही हो गया. और आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा, 2019 के वर्ल्ड कप में उसने 500 किए, तो मैंने उसको एक ही बात, रोहित तू एक ही बैट्समैन है जो विकेट पे अगर रुकेगा, एक 10-12 ओवर तू विकेट पे रुकने की कोशिश कर, उसके बाद तू जो करना कर दे, क्योंकि जो सेट होने के बाद रोहित आई थिंक इज अ डेंजरस बैट्समैन टू वर्ल्ड. तो उसने वही किया, उसने आपने देखा होगा कि मैक्सिमम विकेट रुकने की कोशिश उसने पहले 10-12 ओवर में, और उसके बाद उसने कैपिटलाइज कर गया, उसके लिए इतने सोच हो गए. तो ये जो अभी टेस्ट मैच में स्कोर कर रहा है, कारण वही है कि वो स्टे करना चाहता है विकेट के ऊपर, क्योंकि जैसे कि सिद्धांत बताया कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था बट खराब विकेट फेंके, तो उसने विकेट फेंके, उसका आउट करना बहुत डिफिकल्ट है. खुद भी बोलते हैं अगर मैं चाहूँ तो मैं आउट हो सकता हूँ, बट क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जाता, अगर वो विकेट पे रुकने की कोशिश करेगा तो 100% अच्छी बल्लेबाजी कर, मुझे लगेगा. देवाशीष दा, WTC में एंड ऑफकोर्स आफ्टर दैट द इंग्लैंड टूर, उसमें रोहित शर्मा का सबसे अहम रोल होने वाला है, क्योंकि वो ओपन करने वाले हैं, विकेट भी रोकना है उनको, और साथ में कभी मौका मिले तो स्ट्राइक रेट भी बढ़ानी होगी. जी हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए सबसे किसी भी फॉर्मेट को ले लीजिए आप, शुरुआत पारी का शुरुआत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे कि मगर सबसे अच्छी बात रोहित के लिए मैं कहेंगे कि उसको जो वो एश्योरेंस दिया गया कि हाँ अभी तुम टेस्ट, अभी तुम तीनों फॉर्मेट में ओपन कर रहे हो, दिस हैज हेल्प्ड हिम अ लॉट इन रिसेंट टाइम्स. क्योंकि एक एक आत्मविश्वास होता है ना, जब आपका टीम मैनेजमेंट आपका साथ हो, जब आपको पता है कि अगर मुझे फेलियर भी होगा तो मैं हूं, आई विल ओपन द इनिंग्स, तो ये कॉन्फिडेंस सा देता है. तो अच्छी बात ये है कि और टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर बात करें तो ही हैज बीन इन आउटस्टैंडिंग फॉर्म. मगर हाँ ये जरूर कहना चाहेंगे क्योंकि इंग्लैंड में जो कंडीशंस है वुड बी हेविली स्टैक्ड इन फेवर ऑफ द बॉलर्स, और साथ में ड्यूक्स बॉल,
तो ओपनर्स के लिए बहुत ही अहम होगा, देख के खेलना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में अगर आप थोड़ा देख के संभाल लेते हो वो नया बॉल, तो डेफिनेटली आपके काम आसान हो जाता है। एंड स्टार्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ले लीजिए या जो बाकी का जो 5 टेस्ट मैच है अगेंस्ट इंग्लैंड, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि शुरुआत इंडिया को अगर अच्छा करना है इस सीरीज में, ये 6 टेस्ट मैच में शुरुआत हमारी अच्छी करना है, एंड रोहित शर्मा विल हैव टू प्ले अ ह्यूज रोल। दिनेश सर, रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से भी जाने जाते हैं, बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं, ये शुरू से वो लंबे छक्के मारते थे और बड़े मारते थे, या ये चीज उन्होंने बाद में डेवलप की? नहीं, स्कूल के मैचेस में मैंने बहुत देखा है, क्योंकि देखा था उसके बाद बैटिंग में वो कॉन्सेंट्रेट कर, बैटिंग बैट्समैन बन गया, बट उसका सबसे प्लस पॉइंट है वो बहुत लेट खेलता है और बहुत स्ट्रेट बैट से खेलता है। आपने देखा जब भी वो शॉर्ट्स खेलता है तो उसके बैट का जो फेस रहता है वो बॉल के साथ निकल जाता है, उसका हेड पोजिशन प्रॉपर रहता है, और उसके लिए वो कैपिटलाइज करता है वो शॉट को। यानी क्या है, आपको लिफ्ट करना है, इसका मतलब आप डिफेंस कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, वही बॉल आप लिफ्ट कर, तो उसका आपका लिफ्ट करने का जो शॉट्स खेलता है, तो आपने देखा प्रॉपरली उसका बैक का फेस बॉल के साथ निकल जाता है, और उसका कारण वही है, और मिडिल करता है बॉल, जाते मैक्सिमम बॉल मिडिल करता है वो। राइट चंद्रेश भाई, ओवर द इयर्स रोहित शर्मा मैच्योर भी हुए, सिर्फ क्रिकेट के मैदान पे भी नहीं, लाइफ के में भी जनरली, और इसका फायदा शायद उनको क्रिकेट के मैदान पे भी मिला है और हम फैंस को भी मिला। ऑफकोर्स या वो तो हुआ है, और आई थिंक अभिषेक मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के साथ सबसे बड़ा डिसर्विस ये हुआ है कि आप भी जो सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत ज्यादा वाइड बॉल क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, और ये जो है टूर जो है वो टेस्ट क्रिकेट का है, एंड आई थिंक उनके साथ सबसे बड़ा डिसर्विस ये हुआ है कि उनके वाइड बॉल क्रिकेट को उनके टेस्ट क्रिकेट के फॉर्म के साथ हमेशा मिक्स किया गया है। और मतलब उन्होंने पहला ओपन किया वनडे क्रिकेट में 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में, बट जो हम बात कर रहे हैं वो उनके टेस्ट करियर के बारे में बात कर रहे हैं, जो दो अलग अलग चीजें हैं। और ये ना सिर्फ रोहित शर्मा के साथ हुआ है, ये युवराज सिंह के साथ भी हुआ है, मोहम्मद कैफ के साथ भी हुआ है, और हमारे साथ ये होता है इंडिया में, बिकॉज हमको दोनों में डिफ्रेंशिएट करने नहीं आता, वाइड बॉल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में। और ये आई थिंक रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ा दुखदायी बात रहा है, 2.5 साल पहले तक रोहित शर्मा इंडिया के टेस्ट टीम में नहीं थे, और उनको 2018 में आपको अगर याद हो उनको ड्रॉप किया गया था टेस्ट टीम से, और 2019 में ही उन्होंने फिर वापसी की है एज एन ओपनर। तो आई थिंक हमें पिछले 2 साल के हिसाब से उनको देखना है, और पिछले 2 साल में भी उन्होंने जो बाहर किया हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, वो उन्होंने स्टार्ट अच्छा दिया बट उन्होंने कैरी ऑन नहीं किया, तो इसलिए ये जो दौरा है इंग्लैंड का उनके टेस्ट करियर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और ये सिर्फ उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूरे बैटिंग ऑर्डर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडिया ये सीरीज अगर हार जाए टेस्ट क्रिकेट में इंडिया का बैटिंग ऑर्डर बदल सकता है, इससे T20 और वनडे में कोई असर नहीं होगा, बट टेस्ट जो हमारा लाइनअप है उसमें बहुत बदलाव होगा अगर कहीं इंडिया टेस्ट क्रिकेट में ये सीरीज पूरी तरह से हार जाए तो। सिद्धार्थ, क्या वाकई में बदलाव हो सकते हैं? टोटली अग्री विद द व्यूज जो कि चंद्रेश भाई ने अभी बताए। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए 6 टेस्ट्स है टू प्रूव द मेटल ऑफ द इंडियन टॉप ऑर्डर, क्योंकि याद रखिएगा ओपनिंग इन पर्टिकुलर इट टेक्स ओनली 1 सीरीज या 1 or 2 बैड सीरीज ओवरसीज टू चेंज एवरीथिंग। आप 2018 के टूर में भी देखिए कौन थे हमारे रेगुलर ओपनर्स, मुरली विजय और शिखर धवन, इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन किया, कहां है अब वो लोग, टेस्ट के इसमें फ्रेमवर्क में है ही नहीं कहीं। अभी सबसे डिफिकल्ट जगह जो है ओपनिंग के लिए वो है इंग्लैंड, क्योंकि न्यू बॉल भी स्विंग करता है, ड्यूक्स बॉल अगर पुराना भी होता है तब भी स्विंग करता है। अभी मोंटी पनेसर ने एक चीज बताया कि सबसे ज्यादा कौन हो सकता है एज अ पोटेंट थ्रेट फॉर न्यूजीलैंड, मतलब न्यूजीलैंड के कौन सा वो गेंदबाज होगा हु विल पोज अ प्रॉब्लम फॉर द इंडियंस, वो उन्होंने कहा टिम साउदी। साउदी की खासियत क्या है, वो गेंद को बाहर भी ले जा सकते हैं लेकिन अंदर भी ले आ सकते हैं, बोल्ट राउंड द विकेट एंगल या फिर ओवर द विकेट एंगल लेकर बॉल को शायद अंदर ले आ सकते हैं। रोहित को ये दोनों जो उनका स्किल और गाइल है उससे बहुत इंपॉर्टेंट रहना पड़ेगा अगेंस्ट साउदी, अगेंस्ट बोल्ट। अगर उन्होंने वो कर दिया
देन वैगनर का शॉर्ट पिच बोलिंग या जो भी है ही कैन टैकल दैट इजीली क्योंकि वो बढ़िया पुल शॉट और कट शॉट खेलते हैं. ही इज अ गुड पुलर ऑफ द क्रिकेट बॉल. जेमिसन उनका हाइट विल बी अ बिग फैक्टर. सो इन ऑल दीज केसेस उनका टेक्निक और उनका मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना सबसे बड़ा टेस्ट है ये. एंड इफ यू डोंट पास द टेस्ट इन दिस सिक्स टेस्ट सीरीज जो होने वाला है एंड लेट्स नॉट फॉरगेट न्यूजीलैंड के बाद ही इज गॉट अ स्टर्नर टेस्ट अगेंस्ट एंडरसन एंड ब्रॉड. यस तो अगर मेंटली इफ नन ऑफ देम जैसे इवन यू मे से अग्रवाल गिल रोहित अगर इन लोगों ने दे डोंट स्टेप अप टू द प्लेट तो डेफिनेटली चेंजेस होगा पोस्ट दिस टूर. डेफिनेटली होगा बिकॉज द मिडिल ऑर्डर इज लुकिंग मच मोर स्टेबल. ओपनिंग में ही वो कनंड्रम होगा कि क्या करना है. राइट दिनेश सर तो क्या रोहित के ऊपर भी कुछ प्रेशर होगा या वो ही विल टेक एवरीथिंग इन स्ट्राइड एंड परफॉर्म जैसा. बेसिकली रोहित को मैंने देखा है वो प्रेशर का भी लेता नहीं अपना गेम खेलते रहे अपनी जो एबिलिटीज के हिसाब से खेलते रहे. बट मैं चाहूंगा कि ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर भी देना नहीं चाहिए क्योंकि आपको सब संभालना है आपको ये करना है उसका जो उसको गेम उसे तो एडजस्ट किया है. अभी जैसे कि चंद्रेश ने बताया कि लास्ट दो साल से उन्हें चांस मिला अभी टेस्ट मैच में बीच में उसको चांस ही नहीं मिला और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा अभी डायरेक्ट ओपन कर रहा है बट जिस तरह से उसने बल्लेबाजी ओपन दिया टेक्निकली बहुत साउंड लग रहा है मुझे बट प्रेशर ज्यादा कर लिया तो प्रॉब्लम होते हैं. इसके लिए मैं चाहूंगा कि प्रेशर ज्यादा दिया नहीं जाए तो उसको अपने गेम को जैसे खेल रहे हैं उसी तरह से उसे खेलने दिया तो डेफिनेटली तो अच्छी तरह से बल्लेबाजी करेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा. और जैसे चंद्रेश जी ने बताया कि ओपनिंग बैट्समैन के लिए अगर अच्छा नहीं करते तो प्रॉब्लम हो सकती क्योंकि वही मेन ये है कि मिडिल ऑर्डर अपने चेतेश्वर पुजारा विराट अजिंक्य रहाणे अच्छी बल्लेबाजी करे तो ओपनिंग अगर अपने को अच्छा स्टार्ट मिल सकता है तो आगे अपने अपना स्कोर भी अच्छा हो सकता है. और हमारे गेंदबाजी तो बहुत ही अच्छी है जैसे कि बुमराह ईशान शर्मा समी और दो स्पिनर से अच्छे शार्दुल अगर चांस मिला मैं चाहूंगा शार्दुल को चांस मिलना चाहिए में क्योंकि शार्दुल जिस तरह से गेंदबाजी कर बल्लेबाजी भी अच्छा एक अच्छा ऑलराउंडर करके शार्दुल को चांस ऐसे मुझे लग रहा है. बट ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर है वो क्या डिसीजन लेते हैं. बट रोहित को अगर पेशा नहीं दिया तो रोहित भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसा मुझे लगे. दिनेश सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है इन ऑल फॉर्मेट्स स्पेशली टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें वो है बॉल को छोड़ना जज करना. वो रोहित शर्मा बड़ा अच्छा करते हैं ओवर द इयर्स और अच्छा करने लगे हैं इफ आई मे से सो. डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं इसके लिए तो इतना सक्सेस मिला अभी लास्ट दो साल में उसने जो 2019 में जो उसने परफॉर्म किया आपने देखा होगा नया बॉल बहुत ही अच्छी तरह से छोड़ रहा था आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा. मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बाकी बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे बट जिस तरह से रोहित लिफ्ट कर रहा था बॉल को जो नया बॉल छोड़ रहा था तो मुझे नहीं लग रहा है उसे यहाँ पर भी दिक्कत होनी चाहिए. बट हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बाकी देशों से इंग्लैंड में ज्यादा मूव होता है बॉल और जैसे कि सिद्धार्थ ने बताया डुक बॉल है डुक बॉल को बाउंस भी अच्छा मिलता है शायद मुझे पता नहीं डुक बॉल कैसे है बट सुना है कि डुक बॉल को बाउंस भी अच्छा है सीम अच्छी रहती है उसकी तो डेफिनेटली थोड़ा तो प्रॉब्लम हो सकता है. बट ये लेवल पे जाने के बाद आपको एडजस्ट ही करना है क्योंकि आप बड़े पैमाने पे बहुत सालों से खेल रहे हैं तो आपको एडजस्ट करके खेलना ही है. अगर आपने फोकस किया तो अच्छी तरह से बैटिंग कर सकते हैं ऐसे मुझे लग रहा है. राइट चंद्रेश भाई कभी कभी लगता है कि आफ्टर अ वेरी गुड पैच वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन उनका टूट जाता है या ऐसा लगता है थोड़ा लेट बैक हो जाते हैं इसके कारण वो आउट हो जाते हैं क्या ऐसा होता है या इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम. इट्स पार्ट ऑफ बट वो उनका स्टाइल है मतलब एज इन वो रोहित का स्टाइल है वो कॉन्स्टेंटली देखते हैं रन बनाने के लिए. और ये वीरेंद्र सहवाग के साथ भी यही होता था. वीरेंद्र सहवाग भी इसलिए मतलब टेस्ट क्रिकेट में वो आराम से 10,000 से ज्यादा रन बना सकते थे बट वो काफी बार उन्होंने मौका गवाया है. बट आई थिंक ये रोहित शर्मा के लिए मतलब एज इन ये टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे सिद्धार्थ और दिनेश सर ने कहा बिकॉज पिछले साल जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टू टेस्ट मैच सीरीज था तब वो इंजर्ड थे और भारत बुरी तरह से वो दोनों टेस्ट मैच हार गया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी पहला दो टेस्ट मैच वो खेले नहीं. और आपको पता होगा कि पहले टेस्ट मैच में हमारे साथ क्या दुर्गति हुई थी जब हम 36 पे ऑल आउट हुए थे. तो इसलिए ये सब को देखते हुए कि रोहित शर्मा का होना एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर कितना इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो गेंदबाजी हम 6 टेस्ट मैच में देखने वाले हैं उस 6 गेंदबाजी को टेक ऑन करने के लिए रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज जो वहाँ पे और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज को भी हेल्प करेगा बिकॉज दोनों स्ट्रोक प्लेयर हैं. तो अगर दोनों रन बनाएंगे दोनों तरफ से तो
तो फिर स्कोरबोर्ड चलता रहेगा। तो फिर अगर स्कोरबोर्ड चलता रहेगा तो फिर इंग्लैंड जैसे दौरे में आपके टेस्ट क्रिकेट में आपको बहुत फायदा होता है, वरना क्या है कि आप अगर एक होल में जाके बैठ जाएंगे फिर बाद में पुजारा पे प्रेशर आएगा, फिर पुजारा नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर नहीं है जैसे रोहित है या शुभमन गिल है या विराट है। तो इसलिए रोहित का चलना इस दौरे पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने कहा पिछले साल वो 4 टेस्ट मैच नहीं खेले थे ओवरसीज कंडीशंस में, वो दर्शाता है कि कितना इम्पोर्टेंट होगा उनका रोल ये 6 टेस्ट मैच में। और जैसे आपने कहा कि वो मतलब वो स्टार्ट मिलता है और फिर कैरी ऑन नहीं करते हैं, वो रोहित शर्मा का एक मतलब आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में उनका अभी एक तकिया कलाम बन गया है, क्योंकि आप जब भी देखते हो तो ऐसा लगता है कि रोहित को इतना वक्त है खेलने का कि वो आराम से खेल सकते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा होगा जितने आराम से उन्होंने पैट कमिंस को खेला, जबकि बाकी सब बल्लेबाज को तकलीफ हो रही थी, उनके पास इतना वक्त था। और ये जैसे दिनेश सर जानते हैं मेरे से बेहतर कि ये एक साइन है एक ग्रेट बल्लेबाज का, अब सिर्फ उस जो जो उनके पास जो नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट है उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, जो वो वाइट बॉल क्रिकेट में कर चुके हैं। तो विच मीन्स दैट अगर वो कर चुके हैं एक फॉर्मेट में तो टेस्ट क्रिकेट में कन्वर्ट करना उनके लिए आसान होना चाहिए, बिकॉज फील्ड और भी ज्यादा खुला है तो उनके लिए और भी आसान है मेरे ख्याल से शॉर्ट्स खेलने का। और आई थिंक ये सबसे बेस्ट मौका है रोहित को दिखाने के लिए कि वो टेस्ट क्रिकेट में बिलोंग करते हैं, बिकॉज अगर हम फैब फाइव की बात करते हैं तो रोहित शर्मा को उसमें टेस्ट क्रिकेट ना ज्यादा खेलने की वजह से उसको शामिल नहीं करते हैं। तो आई थिंक दैट अगर वो उस ब्रिज को गैप को फिल कर लेते तो आई थिंक दैट देन वो भी उस टॉप 5 टॉप 6 में आ जाएंगे टेस्ट क्रिकेट। राइट सिद्धार्थ भाई, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम हिज बैटिंग स्किल्स विराट कोहली को एक अच्छा सपोर्ट रहता है अगर रोहित शर्मा टीम में रहते हो, कैप्टेंसी वाइज अगर देखें तो इनपुट्स मिलते रहते हैं उनसे। देखिए इंडिया का जो कैप्टेंसी कोर है ना, अभी आप टेस्ट मैच स्पेसिफिक अगर आप देख लीजिए, मोर देन रोहित ऑब्वियसली हिज एक्सपीरियंस एंड इनपुट्स आर वैल्यूएबल, लेकिन वो मोस्टली मुझे लग रहा है फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हो रोहित है, बट मोर इंपॉर्टेंट देन रोहित इज अजिंक्य रहाणे, क्योंकि रहाणे का जो इनपुट्स है ही हेल्प उनके कैप्टेंसी के अंदर ही हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल कर चुके थे, वेदर यू लाइक इट और नॉट। उनका काम कैप्टेंसी मेलबर्न प्लेड अ बिग पार्ट, ही लेड विद द बैट आल्सो, रेसिलियंस जो था सिडनी में, एंड देन जो उन्होंने अपना रिसोर्सेस को हैंडल करके गाबा में जीत दिलाई ना, वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट था। सो इन टेस्ट आई थिंक कोहली अगर इनपुट्स मांगते हैं तो वो रहाणे से मांगते हैं एंड रोहित से भी मांगते हैं, बट रहाणे इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ओडीआईज एंड टी20s में कोहली अगर नहीं है तो रोहित ही कैप्टन है। उनका लीडरशिप स्किल्स जितना हम लोग देख रहे हैं, आई मीन एक ऐसा एक पीरियड भी था दैट वी शुड हैव 3 कैप्टन्स फॉर ऑल द फॉर्मेट्स, मतलब रहाणे शुड बी टेस्ट कैप्टन, कोहली शुड बी ओडीआई कैप्टन एंड रोहित शुड बी टी20 कैप्टन। क्योंकि याद रखिए रोहित अपने टी20 कैप्टनसी में एक भी सीरीज नहीं हारे हैं, नॉट अ सिंगल सीरीज, एक या दो मैच हारे हैं, दैट्स इट। ODIs में भी एशिया कप में विराट कोहली नहीं थे, एशिया कप में भी उन्होंने जीत दिलाई रोहित ने। लिमिटेड ओवर्स एस्पेशली फॉर टी20s रोहित जैसा कैप्टन अनफॉर्चुनेटली ज्यादा मौका नहीं मिला है, बट इन टेस्ट रहाणे एंड कोहली कंबाइन और वो लोग काफी टैक्टिकली भी एस्ट्यूट है, एंड यू हैव रवि शास्त्री ऑल्सो इन द ड्रेसिंग रूम की इतना शूट टैक्टिशियन है ना शास्त्री, that you might say ठीक है ये तीनों चलेगा, रोहित is an added bonus in the side for captaincy। right दिनेश सर थोड़ा flashback में चलते हैं, पहले दिन जब रोहित शर्मा आपके पास आए थे, आपको अगर वो दिन याद हो मतलब आपने क्या देखा था, कौन लेकर आया था वो बताइए प्लीज। बेसिकली कोई लेके नहीं आया था क्या, हमारे मुंबई में बहुत जगह जगह पे कैंप्स रहते हैं अप्रैल मई में, क्योंकि समर वेकेशन कैंप्स रहते हैं, तो ऐसे कैंप्स में रोहित प्रैक्टिस कर रहा था और वहाँ पर उन्होंने कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए कैंप्स वालों ने, तो मैंने स्कूल की टीम वहाँ पर डाली थी, हमारी स्कूल की टीम पार्टिसिपेट कर रही थी, अंडर 12 की टीम थी हमारी। तो उस मैच में कुछ 10 ओवर की मैच थी, सीमेंट विकेट थी, रोहित टीम ने कुछ 67 रन बनाए, ऑल आउट हो गए 10 ओवर में, हमने वो चेस किया। बट जैसे जिस तरह से रोहित ने बॉलिंग डाली, खाली दो ही ओवर डाले थे कि 10 ओवर की मैच थी, जो एक्शन इमीडिएटली मैंने मैच खत्म हुए इससे बुलाया कि बेटा नाम क्या है तुम्हारा, रोहित शर्मा, ठीक है
तो तुम्हारे पेरेंट को मुझे इमीडिएट मिलने के लिए बोलो। तो पेरेंट मैं मुझे कहा कि मेरे पेरेंट यहाँ पर नहीं रहते, मेरे पेरेंट लंबा यहाँ से डोमोली रहने 3 आवर्स की जर्नी पे रहते, मैं मेरे चाचा घर पे रहते। चाचा को, चाचा को मैंने बुलाया, उनको बोला कि ये लड़का आपका मुझे अच्छा लगा है, आपको इंटरेस्ट है तो मेरे स्कूल में लेके आइए। 31 मई का दिन था, 2 जून को मैंने स्कूल में बुलाया उनको। जैसे स्कूल में आए, इमीडिएट में फॉर्म मैंने दिलाया उनको। फॉर्म लेने के बाद मुझे उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया, सर फीस कितनी है स्कूल की। मैंने फीस तो मुझे पता नहीं, हम लोग देते फीस काउंटर पे दे, तो 275 रुपीज फीस थी। इमीडिएटली उन्होंने ना बोला मुझे, चाचा बोले सर सॉरी हमको नहीं चाहिए एडमिशन। मतलब अरे ऐसे क्या कर रहे हैं, आपको फॉर्म ये किया दे दिया, आप भी मना कर रहे हैं। सर हमारी स्कूल को, हम लोग जिस स्कूल में जा रहे हैं 30 रुपीज फीस है, तो हम लोग एफोर्ड कर पाएंगे, तो सॉरी सर। मतलब एक मिनट रुको, मैं इमीडिएटली, पता नहीं मुझे क्या हुआ, इमीडिएटली हमारे स्कूल के डायरेक्टर उनके पास गया। बोले सर अभी एक फॉर्म इशू किया है रोहित शर्मा के नाम से, अगर मैं चाहूंगा उसे फ्रीशिप दिया जाए। तो सर शौक, पहला लड़का जिसके लिए मैंने फ्रीशिप मांगी थी। मतलब क्यों ऐसा लग रहा है, मतलब सर गरीब लड़का है, टैलेंटेड लग रहा है, अपने स्कूल को नहीं मिस करोगे। 95 को स्कूल चालू, 99 में मैंने उसको देखा था, स्कूल को अच्छे बच्चे चाहिए थे, ऐसे में ढूंढा था बहुत सारे कैंपों में जाके। ठीक है सर, चलो फॉर्म मंगा, इमीडिएटली रिटर्न ग्रांटेड फ्रीशिप। यदि यदि वो फ्रीशिप नहीं दिया होता, मैं भी रोहित शर्मा दुनिया को दिखाई नहीं देता था। तो उस साल एज एन ऑफिसर स्कूल के लिए खेला, हमारे यहाँ के मुंबई में अंडर 14 अंडर 16 स्कूल के मैचेस रहते, ये अंडर 14 में 12 साल का था, अंडर 14 टीम में उसे लिया था। हमारी प्रैक्टिस कुछ फेब्रुवरी में चालू हो गई, फेब्रुवरी में 2 सेकेंड राउंड थर्ड राउंड हार गए, उसका क्रिकेट खत्म हो गया। नई नई स्कूल थी, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती थी। नेक्स्ट ईयर जब मैंने उसे हैरिस शील्ड में यानी अंडर 16 टीम में भी लिया, क्योंकि एक अच्छा बॉलर मुझे दिख रहा था। हैरिस शील्ड की हमारी प्रैक्टिस चालू होगी अक्टूबर में, प्रैक्टिस में आने चालू हो गए। तो एक दिन मैं ऐसा स्कूल में एंटर कर रहा था, एक लड़का नॉक ले रहा था स्ट्रेट बैट से। मैं बाहर से देखा, बोला इतना अच्छा कौन नॉकिंग कर रहा है, प्रॉपर ऐसा बैट ऐसा ठाक ठाक कर, मतलब देख। तो मैं जैसे अंदर एंटर किया तो मतलब तू बैटिंग कर रहा है, रोहित बैटिंग कर रहा, नॉक ले रहा था। बोला हाँ सर। बोले तू बताए कि नहीं, मेरा क्या है कि मैं बॉलर्स को ज्यादा बॉलिंग डलवाता और बैट्समैन को बैटिंग करवाता हूँ। वो हिसाब से मैंने रोहित को पहले साल मैंने बॉलिंग बैटिंग दिया ही नहीं जाता। तो मैं बोला एक काम कर, जा नेट में बैटिंग कर। और जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की है ना, एकदम एक्स्ट्रॉडिनरी नहीं किया, बट ठीक ठाक अच्छी बल्लेबाजी की है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं क्या कर रहा था यार, ऑफ स्पिनर जो बॉलिंग डाल रहा है, जिसको जो अच्छी बैटिंग करते है उसको मैं बॉलिंग डलवा रहा है। मैंने उस दिन से उसको रेगुलर बैटिंग करवाना चालू किया, रेगुलर नेट्स में बैटिंग देना चालू किया। हैरिस शील्ड में 7 नंबर पे गया, उसने कुछ 30-40 रन बनाए अच्छे। और गाइड शील्ड में मैंने उसे ओपन करवाया, मैंने बोला जा तो ओपन करेगा। बोला हाँ सर, खुश हो गया। जिस तरह से उसने वो बल्लेबाजी की, 140 रन की पारी खेली, वो रोहित शर्मा उस टाइम पे यानी एक बल्लेबाज करके दुनिया को दिखाई दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या बात है, एक चैंपियन के बनने में कितनी छोटी छोटी चीजें होती है जो मिलके एक चैंपियन बनाते हैं। सो थैंक यू सर वो मौका उन्हें देने के लिए। सबसे पहले देवाशीष दा के पास जाएंगे, बड़ी देर से चुप है, उनके पास जाने का मौका नहीं मिला। देवाशीष दा, रोहित शर्मा कभी कोई काम के लिए लेट नहीं होते क्योंकि उनके पास काफी वक्त होता है। आपकी फेवरेट आपकी फेवरेट इनिंग्स कौन सी है रोहित शर्मा की, ये बता दी, सबसे पूछूंगा मैं। ऑब्वियसली उनका जो वर्ल्ड कप में जो लगातार 5 शतक उसने जा रहा था, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इंडिया हारा है, मगर इट वॉज ऑब्वियसली रोहित शर्मा का सब एक ही ख्वाहिश है टू विन दैट वन वर्ल्ड कप। शायद दिनेश सर भी हमसे एक एक मानेंगे कि एक ही उनका ख्वाहिश है टू विन दैट वन वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली इंडिया के पास अभी 3 वर्ल्ड कप्स है, 2 T20, 1 50 ओवर वर्ल्ड कप और साथ में ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि इट्स नॉट दैट फार दैट रोहित शर्मा के हाथ में भी एक वर्ल्ड कप होगा। ग्रेट चंद्रेश भाई, मैं टेस्ट क्रिकेट में पूछूंगा, रोहित शर्मा की सबसे अच्छी इनिंग्स आपको कौन सी लगी अभी तक? मेरे हिसाब से जो उन्होंने उनका डेब्यू इनिंग्स था टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के सामने, आई थिंक वो उनके लिए सबसे मेरे मेरे ख्याल से सबसे यादगार पारी था, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि वो बिलोंग करते हैं टेस्ट क्रिकेट में। राइट सिद्धार्थ भाई, सबसे पहले दिनेश सर को थैंक यू, क्योंकि उन्होंने पहले रोहित को आइडेंटिफाई किया एज अ बॉलर, लेकिन बाद में उन्होंने लकीली देखा दैट ही इज अ बैट्समैन। तो बट दिनेश सर का बॉलिंग असेसमेंट भी सही है, ही इज द ओनली गाय टू टेक अ हैट्रिक इन द आईपीएल आल्सो स्टार्टिंग विद 2009, ही इज अ गुड बॉलर, राइट राइट राइट, गुड बॉलर, वेरी गुड बॉलर, बट अनफॉर्चूनेटली शोल्डर इंजरी करता आजकल सर। हां
बोलिंग हाउस को एक्चुअली इंजरी हो गया, इंजरी हो गया उसको उंगली में, उसके बाद उसने बंद कर दिया बॉलिंग डालना क्योंकि वो बॉल प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पा रहा, इसलिए वो प्रॉब्लम हो गई। शोल्डर इंजरी भी हुआ था ना सर रोहित को? शोल्डर इंजरी बट उंगली में उसका इंजरी हो गया तो ग्रिप नहीं कर पा रहा था इसलिए बॉलिंग उसने ज्यादा बंद कर दिया। ओके तो अभिषेक आपका वो जो टेस्ट क्वेश्चन है कि रोहित का सबसे फेवरेट इनिंग्स क्या है, आई वुड से जो उन्होंने 161 मारा था अगेंस्ट इंग्लैंड इन चेन्नई रिसेंटली, क्योंकि इंडिया 1-0 डाउन थे, पिच भी थोड़ा अटपटा सा था, लेकिन रोहित ने दिखा दिया दैट ही कैन ट्रूली टेक द अटैक टू द ऑपोजिशन। 161 चेन्नई एंड जो उन्होंने अहमदाबाद में भी मारा था क्योंकि नो वन एल्स केम क्लोज, दैट शोड कि रोहित शर्मा जो है अब एक अलग लेवल में आ रहे हैं। द टेस्ट विल बी, क्योंकि देखिए उन्होंने सारा जो सेंचुरीज है वो इंडिया में मारा, अग्रीड, बट ओवरसीज में भी पोटेंशियल दिखा सकते हैं टू स्कोर बिग। सो दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एंड दिस फाइव टेस्ट्स, उम्मीद करते हैं कि रोहित टिक जाए, क्योंकि अगर रोहित टिकता है देन वो एकमात्र ऐसा बैट्समैन है जो सारे ऑपोजिशन के प्लान्स को ना आउट ऑफ द विंडो कर सकते, इफ ही स्टेज दैट। राइट दिनेश सर, आपकी फेवरेट इनिंग्स मतलब रोहित ने जो खेली है जो आपको लगती है एज अ कोच स्पेशली? मेरे मन में वही थी जैसे कि सिद्धार्थ ने बताया, वही बेस्ट इनिंग की जिस विकेट पे उसने बल्लेबाजी की, बहुत ही खराब विकेट थी, बाकी बल्लेबाजी को बहुत दिक्कत हो रही थी बट वो विकेट पे उसने इजी क्रिकेट खेला, यानी आपने कॉम्पैक्ट डिफेंस भी किया, ऐसे नहीं कि सब बॉल मारे उसने, वो टर्निंग ट्रैक पे प्रॉपर बॉल पे जाके उसने बल्लेबाजी की, बेस्ट इनिंग में वही लग रहा है 161 की। और सबसे अच्छी इनिंग मुझे वनडे में लगी, उसने 64 रन बनाए थे जब 2007 सीरीज में, सीबी सीरीज में सचिन के साथ उसने जो पार्टनरशिप की थी, दैट वाज द बेस्ट इनिंग आई एवर सीन इन माय लाइफ, क्योंकि उसने जिस तरह से बल्लेबाजी की सचिन के साथ तो मुझे वो एक अच्छी इनिंग लगी, और ये 161 की। हालांकि उसने सभी इनिंग अच्छी खेले बट कंपैरेटिवली ये दो इनिंग मुझे अच्छी लगी, ऐसे मुझे लग रहा है। ग्रेट, लेट्स होप कि रोहित शर्मा बहुत ज्यादा वक्त बिताए क्रीज पर, क्योंकि वो जितना वक्त बिताएंगे उतना अच्छा रहेगा उनके लिए भी, हमारे टीम के लिए भी, और फायदा सबको मिलेगा। राइट, दैट्स अबाउट टाइम, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग अ चैट विद यू अगेन। थैंक यू देवाशीष सर, थैंक यू दिनेश सर, थैंक यू चंद्रेश भाई, थैंक यू सिद्धार्थ भाई, टेक केयर, थैंक यू।